हे स्टूडेंट्स वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सो आई एम हेयर विद अ न्यू लेक्चर दैट इज़ नेशनल हेल्थ एजेंसीज एंड दिस टॉपिक कम्स अंडर योर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड एंड इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि ये uh, इस पर शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग नोट्स पर आता है मोस्टली और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जॉब के होते हैं फिफ्टीन मार्क्स वाले एंड ऑल तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ठीक है तो लेट्स सी वॉट दिस टॉपिक कवर्स And there are gonna be two parts for this video because national health agencies and nation, international health agencies two. Your portion. Aate, because health agencies are further classified. Hai. In this portion, we will study about national health agencies. And in next our video, next part, I will tell you about international health agencies. तो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव भी यही है हमारे इस लेक्चर का कि एट द एंड ऑफ द क्लास आपको ये पता चलेगा कि हेल्थ एजेंसीज क्या होती हैं इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टि यही है आपको हेल्थ एजेंसीज के बारे में पता चलेगा पर्पज़ पता चलेंगे ठीक है और क्या क्या कैटेगरीज आती हैं नेशनल के बारे में आपको पता चलेगा नेशनल हेल्थ एजेंसीज़ इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी एंड रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ केयर सर्विसेज ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन सो नेशनल हेल्थ एजेंसीज़ वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास अपनी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन टिव बॉडी या कम्युनिटी है ठीक है जो क्या करती है फंड रेज करती है थ्रू इट्स मेंबर्स या फिर कोई प्राइवेट सोर्सेस से ठीक है थीके? ये इसके पास पेड स्टाफ भी होता है वॉल्ट्री स्टाफ भी होता है लाइक कि जो हम अपनी मर्जी से हम करना चाहते हैं हम उसके लिए कोई पेमेंट चाहिए तो वैसे स्टाफ भी होते हैं ठीक है थीके? ये हेल्थ प्रमोशन के लिए वर्क करते हैं हेल्थ एजुकेशन के लिए वर्क करते हैं हेल्थ लेजिस्लेशन के लिए वर्क करते हैं डेफिनेशन क्या हेल्थ एजेंसी क्या है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक ऑटोनोमस बोर्ड के थ्रू एडमिनिस्टर कराई जाती है जो क्या करती है मीटिंग्स करवाती हैं फंड कलेक्ट करते हैं और उस फंड को फिर क्या करते हैं स्पेंड करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च वर्क ठीक है पर्पज़ health क्या है हेल्थ केयर एजेंसीज़ का सबसे पहले क्या करना है प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव केयर आपको प्रोवाइड करनी है उसका प्रोविज़न रखना है ठीक है उसके बाद क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करनी है आपको उसके बाद क्या करना है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करना है न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना है एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करना है उसके बाद क्या करना है मैन पावर रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना है सेफ़ वाटर एंड फूड सप्लाई का प्रोविज़न रखना है ठीक है लिटरेसी रेट को बढ़ाना है एंड पॉवर्टी लेवल को रिड्यूस करना है इसमें कैटेगरीज़ होती है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नेशनल हेल्थ एजेंसीज़ एंड इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज ठीक है तो अभी हम पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ केयर एजेंसीज के बारे में जिसमें सबसे पहले आती है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एंड दस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो होता है काफ़ी पूछा जाता है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तो ये नाइनटीन में स्टेबलिश हुई थी अंडर द रेड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट ठीक है एक एक्ट था इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट उसके अंडर इस्टेब्लिश हुई थी नाइनटीन ट्वेंटी और इनकॉर्पोरेट हुई थी अंडर पार्लियामेंट एक्ट फिफ्टीन ऑफ नाइनटीन ट्वेंटी ठीक है तो नेशनल हेड क्वार्टर्स जो थे वो जो आ, नेशनल हेड क्वार्टर्स है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वो कहाँ हैं डेली में ठीक है ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सिक्स फिफ्टी फाइव से ज़्यादा ब्रांचेस हैं ठीक स्टे, है जो थ्रू आउट द स्टेट आपके स्प्रेड हैं डिस्ट्रिक्ट में है सब डिविजन्स में है मतलब सिक्स फिफ्टी फाइव ब्रांचेस से ज़्यादा इसकी ब्रांचेस है ठीक है तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सोसाइटी का कि आपको हेल्थ प्रमोट करानी है ठीक है प्रिवेंशन करना है डिजीज़ का और जो सफरिंग्स हैं लोगों के बीच में उसे एलिवेट करना है ठीक है उन्हें उसे आप बोलते हैं रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना है ठीक है थीके? एक्टिविटीज़ क्या आती है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर सबसे पहले क्या करना है सोशल रिलीफ वर्क करना है लाइक डिज़ास्टर के टाइम पे फ्लड आए अर्थक्वेक आए एपिडेमिक्स आया तो वो डिजास्टर की कंडीशन से यू ऑन लूँ तो उस टाइम पे सोशल और रिलीफ वर्क कौन करेगा इंडियन रेड सोसाइटी उसके बाद जो एसेंशियल uh, आइटम्स होते हैं लाइक ड्रग मिल्क मिल्क पाउडर वाइटामिन और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स टू हॉस्पिटल मेटर्निटी हेल्थ सेंटर चाइल्ड केयर सेंटर स्कूल्स हैं ऑफेनेजेज़ हैं इन सबको जो भी इसेंशियल आइटम्स हैं उनकी सप्लाई कौन करता है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी करती है उसके बाद जो ब्लड बैंक्स हैं उनकी मेन्टेनेस इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी करती है उसके बाद क्या है जो मेटर वाइल्ड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसज जो चाहिए वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मेंटेन करती है और जो डिफेंस फोर्सेज है उनके लिए मेडिकल केयर भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी करती है नेक्स्ट कम्स इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर ठीक है तो ये जो था इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर ये 1952 में स्टैब्लिश हुआ था इसका हेड ऑफिस जो है न्यू डेली में और इसकी प्रेजिडेंट जो है श्रीमती रीटा सिंह है फ्रॉम ट्वेंटी ठीक है तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि आपको नॉर्मल बट डेस्टिट्यूट जो बच्चे हैं उनको आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है ठीक है आपको क्या करना है जो नॉर्मल हैं और जो हैंडी बच्चे हैं ठीक है थीके? आपको उन्हें इंटीग्रेट करना है और उसके बाद क्या करना है उनमें केयरिंग एंड शेयरिंग की वैल्यूज़ को आपको डेवलप करना है ठीक है आपको ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है ठीक है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना इन बोथ ऑफ द ग्रुप्स ठीक है चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो हैंडीकेट्ट हो आपको सबको इक्वल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है फिर इसके एक्टिविटीज़ के कि जो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स होते हैं एडवेंचर कैंप्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज़ कराने हैं ठीक है चिल्ड्रन राइट्स को एडवोकेट करना है उन उनके राइट्स के बारे में बताना है ठीक है जो अबैंडन चिल्ड्रन है जिनको छोड़ दिया जाता है उनका रिहेबिलिटेशन भी ये सोसाइटी करती है आपकी ठीक है उसके बाद जो गर्ल चाइल्ड है उस पर वो प्रोग्राम्स जो स्पेशल फोकस जिनका गर्ल चाइल्ड पे रहता है वो एक्टिविटीज़ इनके अंडर आती हैं ठीक है चाइल्ड केयर वर्कर उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये यही प्रोवाइड करवाते हैं उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल और डे केयर सर्विसेज़ है जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए है ठीक है तो ये सर्विसेज़ भी यही प्रोवाइड करवाते हैं थर्ड इज़ फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये 1949 में फॉर्म हुई थी इसके हेड क्वार्टर्स जो है वो मुंबई में और है और जिनके फाउंडर हैं वो है आवाबाई वाडिया ठीक है ये इन्होंने मतलब इस जो आपकी एसोसिएशन है इसने काफ़ी डॉक्टर्स को और हेल्थ विजिटर्स को सोशल वर्कर्स को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की है ठीक है और करंट नेशनल प्रेजिडेंट जो हैं वो डॉक्टर रत्नामला एम डिसाई है ठीक है और जो एफ पी ए है इंडिया वो एक सोशल मतलब सोशल इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है इसमें आपको क्या करना है स्टेंशल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और फोकस क्या है सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन एटीन स्टेट्स ऑफ इंडिया ठीक है कि आपको आपको हेल्थ सर्विसेज तो प्रोवाइड करनी करनी है और उसका मेन जो आपका फोकस रहेगा वो सेक्शुल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर रहेगा ठीक है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिप्रोडक्टिव चॉइस को प्रमोट करती है लीगल एंड सेफ अबॉर्शन को प्रमोट करती है एजुकेशन अबाउट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रमोट करती है सेक्ल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करती है ठीक है एंड सर्विसेज़ uh, क्या है गाइनिकोलॉजिकल सर्विसेज ठीक है उसके बाद जेंडर बेस्ड वायलेंस रिलेटेड सर्विसेज ठीक लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज प्रेगनेंसी रिलेटेड सर्विसेज ठीक है एच रिलेटेड लाइक टेस्टिंग काउंसलिंग ट्रीटमेंट वगैरह ये सोसाइटी प्रोवाइड करती है स्पेशल प्रोग्राम भी रन करते हैं फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंडर दैट इज स्मॉल फैमिली बाई चॉइस प्रोजेक्ट ठीक है कि हम अपनी मर्जी से स्मॉल फैमिली रख रहे हैं दैट इज़ इसमें क्या है फैमिली प्लानिंग की एक्सेप्टेंस आती है ठीक है उसके बाद यूथ एजुकेशन ऑन सेक्शुअलिटी प्रोजेक्ट एंड एजुकेशन इन एस आर एच ईशूज ठीक है उसके बाद द गर्ल चाइल्ड एंड प्रिवेंशन ऑफ़ फीमेल फोर्टिसाइड प्रोजेक्ट भी इसके अंडर आते हैं ठीक है थीके? दिशा दिशा सेंटर्स जो आपके यंग लोग हैं ठीक है थीके? तो वो क्या करते हैं लाइक like, उनकी मीटिंग ऑन ऑल करवाई जाती है और वो क्या करते हैं हेल्दी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं ठीक है उसके बाद मूवमेंट यूथ टू यूथ इसमें क्या है आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है ठीक है अडोल्ट गर्ल्स को प्रोवाइड की जाती है तो बेसिकली यह आपकी पॉपुलेशन को लेकर के है ठीक है सेकेंड उसके बाद आता है आपका ट्यूबर क्लॉसेज ऑफ इंडिया ठीक है ये आपके फेब्रेरी नाइनटीन में स्टेबलिश हुआ था इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू डेली में है जो ट्यूबर क्लॉसेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया टी ए आई ठीक है TAI, ये सबसे पुरानी और सबसे बड़ी वॉलट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एफिलियट्स ऑल ओवर द कंट्री में है ठीक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव प्रिवेंशन कंट्रोल ट्रीटमेंट एंड रिलीफ ऑफ ट्यूबर या आप नाम से जान जाए समझ रहे हैं ठीक है इसमें आपको क्या करना है जो आपके स्टेट uh, एसोसिएशन्स हैं ठीक है उसमें आपको क्या करना है उनके पास ही उनको एक ऑब्जेक्टिव के साथ इस्टेबलिश कराना है जो मतलब कि आपकी इस एसोसिएशन लाइक like कि जो आपकी ये एसोसिएशन बनी है तो इसी एसोसिएशन से आपको क्या करना है बाकी स्टेट को भी आपको इस्टेब्लिश मतलब कि इनक्रेज करना है कि वो इस चीज़ को डेवलप करें अपने स्टेट में भी और ये जो आपका प्रोग्राम है एसोसिएशन इसको डेवलप करें ठीक है इस्टबलिश करें उसके बाद क्या करना है कि आपको ट्यूबर है या लाइट चेस्ट डिजीज़ है उससे रिलेटेड जो रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन है वो की जानी चाहिए लाइक कि मतलब आप टू डेट रहनी चाहिए मतलब कि रोज़ पे कोई ना कोई अच्छी रिसर्च होनी चाहिए ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो उसका एरिया वाइडन अप हो पाए फिर प्रेजेंट मेजर एक्टिविटीज़ के कि आपको जो क्वालिटी डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ठीक है न्यू दिल्ली टीबी सेंटर्स में उसके बाद क्या करना है सील कैंपेन एवरी मतलब कि हर साल कैंपेन करवानी ताकि फंड रेज हो सके उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करने डॉक्टर्स को और हेल्थ केयर वर्कर्स को एंटी एंटीड्यूबरकोलॉसिस वर्क ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है हेल्थ एजुकेशन प्रमोट करनी है कंसल्टेस एंड कॉन्फ्रेंसिस प्रमोट करने हैं ठीक है फिफ्थ इज हिंदू कुश्ठ निवारण संघ ठीक ये 27 जनवरी 1925 में इस्टैब्लिश हुआ था इसके हेड क्वार्टर्स डेली में है 27 सेवन ठीक है ये जो है इसमें आपको आ, नेम ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर लेप्रोसि रिलीफ एसोसिएशन ये उस टाइम पे इसका नाम रखा गया था ठीक है इंडियन काउंसिल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर लेप्रोसि रिलीफ एसोसिएशन जिसको बाद में ये हिंदू कुश्ठ निवारण संघ के नाम से चेंज कर दिया गया था इन नाइनटीन ठीक है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जो भी लेप्रोसी से रिलेटेड एस्पेक्ट है आपको उस पर रिसर्च करनी है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है लेप्रोसी के लिए ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड करने हैं ठीक है फिर इसकी एक्टिविटीज़ हैं तो सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन आपको प्रोवाइड करनी है फिर आपको क्या करना है नाइन मंथ की जो ड्यूरेशन है उसका एक कोर्स आपको रखना है ठीक है फॉर फिजियोथेरेपी टेक्नीशियंस एट लेप्रोसी ट्रेनिंग सेंटर ठीक है नैनी इलाहाबाद यूपी पुलूरिया एंड वेस्ट बंगाल में ठीक है उसके बाद क्या करना है लेप्रोसी के फील्ड में रिसर्च एंड फील्ड इन्वेस्टिगेशन करवानी है ठीक है वो इनका एक्टिविटी है उसके बाद क्या करना है जो लेप्रोसी सील्स हैं उसका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है ताकि आप क्या कर सके लेप्रोसी को लेकर अवेयरनेस क्रिएट कर सके ठीक है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना है कि वो फंड रेज करें ठीक है ताकि वो ये जो सील्स हैं इनके सेल को बढ़ा सके ठीक है फिर है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड ठीक है ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ जन आ, जो ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ठीक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज कराई थी इन ऑगस्ट नाइनटीन ठीक है फंक्शंस क्या आते हैं कि जो भी वॉल्ट्री वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कंट्री में चल रही हैं उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट को सर्वे करना ठीक है उसके बाद क्या जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस है उसको प्रमोट करना उनका सेटिंग अप कराना ठीक है एंड वॉल्ट्री बेसिस पे कि लोग उस प्रोग्राम को और डेवलप करें ठीक है इससे क्या हो जाएगा जो फाइनेंशियल एड है वो थोड़ा रेंडर हो जाएगा ताकि क्या है एग्जिस्टिंग और एग्जिस्टिंग uh, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन को भी क्या है फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा फिर इसके अंदर एक्टिविटीज़ क्या आती है फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना है ठीक है uh, इन्होंने फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज इनिशिएट कराए थे रूरल एरियाज़ में ठीक है जिससे क्या हो जो वीमेन हैं एंड चिल्ड्रन हैं उनका वेलफेयर हो सके ठीक है जहाँ सोशल एजुकेशन लिटरेसी क्लासेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क ये सब प्रमोट किया गया था वहाँ ठीक है एजुकेशन वगैरह को और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ मेटरनल एड भी प्रोवाइड किया गया था ठीक है इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव स्कीम आई थी वमन के लिए जो लोअर मिडिल क्लास की फीमेल्स थी अर्बन एरिया में तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया गया था और सैलरी दी गई थी ठीक है फिर अब ब्लाइंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया ब्लाइंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया है 1946 में इस्टेब्लिश हुई थी ठीक है जिनके जो हेड ऑफिस है वो लाजपत नगर दिल्ली में हैं ठीक है थीके? और इनके फाउंडर जो है मिस्टर एस एम ए जिन्ना है ठीक है इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन के कि आपको क्या है? Promote करना है प्रमोट करना है फोस्टर करना है एंड एनकरेज करना है इनिशिएट यानी कि जो ब्लाइंड मैन एंड वुमेन है ठीक है क्योंकि ब्लाइंडनेस भी इंडिया में काफ़ी कॉमन है तो ब्लाइंड मेल एंड फीमेल्स में आपको क्या करना है एनकरेजमेंट रखनी है ठीक है आपको यूनिटी uh, रखनी है उनके बीच में वो डेवलप करानी है ठीक है आपको जो ब्लाइंड पर्सन है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है उन बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करना है ठीक है और जो क्या करना है कि जो ब्लाइंड लोग हैं ठीक है थीके? उनकी मैरिजेस को भी रिहेबिलिटेट करना है ठीक है और उनको हैप्पी पर्सन इन द सोसाइटी एज अ मतलब जीने में हेल्प करनी है उसके बाद क्या करना है जो आ, जो ब्लाइंड्स हैं ठीक है यूजुअली उनके लिए काफ़ी अच्छा एटीट्यूड नहीं रहता है कि चलो वो ब्लाइंड है तो वो कुछ काम नहीं कर सकते जनरली उन्हें इस चीज़ को लेकर लिया जाता है तो हमें क्या करना है तो वो क्या करते हैं बैगिंग करते हैं तो हमें ये जो इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि उनकी बैगिंग हैबिट्स को हटा दिया जाए और उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया जाए तो इनके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ आती हैं सबसे पहली एक्टिविटी है रिहेबिलिटेशन सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट थर्ड इज़ क्लाइंट सर्विस फिर ए कंडक्टर ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑफ थैलमिक ठीक है आई चेकअप कैम्प्स उसके बाद क्या करना है अदर इंस्टीट्यूशन के कोऑर्डिनेशन uh, में भी ये वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर जो मतलब बाकी ऑर्गेनाइजेशन बनी है ब्लाइंड लोगों के लिए उनकी कोऑर्डिनेशन मैक करना है वोकेशनल ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करनी है एडवोकेसी उन्हें प्रोवाइड करनी है ठीक है क्योंकि राइट्स सबके हैं तो अगर वो ब्लाइंड है तो सोसाइटी पहले से ही डिस्करेज करती चली जाती तो उन्हें अपने बारे में नहीं पता वट दे कैन डू तो आपको एडवोकेसी करनी है फ्री एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करनी है सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर होप यू ऑल अंडरस्टूड द वीडियो वेल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ ड्रॉप दि द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक यू व्यूवर्स